खबर राजस्थान के टोंक जिले से है, जहां एमएसपी पर कानून की गारंटी समेत अन्य विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने जयपुर से दिल्ली के लिए कूच किया। वहीं दिल्ली कुछ की सूचना मिलते ही टोंक के पुलिस और प्रशासन ने नेशनल हाईवे 52 पर उस्मानपुरा कट के पास किसानों को बैरिकेडिंग पर रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद किसान कट के पास ही एक खाली खेत में अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए पड़ाव डालकर बैठ गए। वहीं किसानों का कहना है कि वो एमएसपी पर कानून सहित टोंक के किसानों की मांगों को लेकर जिला प्रशासन के सामने लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन किसानों की अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते किसानों को अपनी मांगों के लिए जयपुर दिल्ली कूच पर मजबूर होना पड़ा। इसके तहत किसानों के प्रतिनिधिमंडल से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, किसान पड़ाव जारी रखेंगे। टोंक से कजोर गुर्जर की रिपोर्ट। हमारे को एनएसपी सरकार चाहिए, अब एनएसपी मांग रहे हैं सरकार से, और हम एनएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है, हमारी सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 से आज सरसों 4500 तक आ गई, और हमको ये चाहिए कि समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी बन जाए तो हमको समर्थन मूल्य मिल जाए, सरकार खरीद। ये हमारा एमएसपी को लेकर है कि अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं है इस पे। हमारे वहाँ अध्यक्ष जी से न तो सरकार वार्ता कर रही है और ना ही हमारी यहाँ सुनी जा रही है, तो हमारी मांग है कि जिला प्रशासन से आप उनसे वार्ता करवाइए, सरकार से कर लेंगे हमारे अध्यक्ष साहब वहाँ ये वार्ता के लिए, तो यही कहे ना उन्हें, सरकार को करवा दे कलेक्टर साहब। दूसरी चीज ये जिला स्तरीय जो मुद्दे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बदमाशी ये आंदोलन खड़ा करने में बिशुनपुर एडीएम का है। उसने ना तो ईशरदा वालों का किया, ना बिशुनपुर वालों का किया, उसकी वजह से ये आंदोलन खड़ा हो रहा है। हम बैठ के वहाँ जयपुर चले जाते, लेकिन इन्होंने यहाँ खड़ा करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि 7 तारीख से जब मीडिया में चल रहा था तब से भी ये लोग हमें बातचीत करने के लिए एग्री नहीं हुआ प्रशासन, और अब कह रहे हैं कि बात करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए आज टोंक जिले के किसान महापंचायत की अगुवाई में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ, सैकड़ों हजारों किसानों के साथ ट्रैक्टर कूच रैली कर रहे थे, लेकिन ये पर्ची की सरकार, ये भाजपा की सरकार बीच रास्ते में ही किसानों को रोककर किसानों के ऊपर कुटाराघात कर रही है, किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है, किसान इस दर्द को नहीं भूलेगा।